ये लीजिए, बन गए तलाक के पेपर्स। इतनी जल्दी तो क्या ना बनाता, आप ही ना तो गाते। एक तो तुम्हें इतनी जल्दी रहती है हर काम की, खैर बन गए हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, क्या आप अरिबा बीबी को वाकई तलाक देना चाहते हैं? तो करना भी गया उसके साथ रिश्ता रखे, वो सबसे ग्लैन भाई को स्टेप ले लें तो मेरी तसल्ली हो जाए, उसके बाद ऐशी ऐश हो। भाई दबे, दूसरी शादी में कोई मजायका भी तो नहीं है, और अब देखे ना तो कीर साहब ने भी तो दूसरी शादी कर ली आपकी सानी से। जानता हूं कोई मजायका नहीं, ये पेपर्स मैंने फारिया को तसल्ली देने के लिए बनाया, वो किसी सूरत मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने फोन में तुमसे कहा कि तलाक के पेपर्स बनवा दो, वरना रीबा को तलाक देने का भी मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा हाँ, याद आया, काम का है तो अकीर भाई ने, ये शिपमेंट है ये क्लियर करवानी है, बहुत ज़रूरी है, और कमीशन की तुम फिक्र मत करना, अकीर भाई ने भी अच्छे खासे पैसे बनाए पीछे, ये कंसाइनमेंट क्लियर करवाना है। देखता हूँ। अरे भाई देखना वेखना नहीं है, ये काम करवाना है जल्द से जल्द। हो जाएगा, लेकिन पैसे लगेंगे। तो बहुत लालची आदमी है। कब पैसे नहीं दिए मैंने तो? तौकीर भाई से पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा, तो फिक्र मत करो, ये काम जल्दी करवाओ। अरे सर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। चाय पिए बगैर तो नहीं जाओगे? दो चाय भेज दीजिए। अच्छा सर, आप ये बताएं कि अरिबा से आपकी तलाक अगर होगी तो आपको क्या बेनिफिट होगा? बहुत से बेनिफिट्स हैं, मुझे भी और तुम्हें भी, बस ये कि हमारा सिलसिला चलता रहना चाहिए। चलता रहे। थैंक यू।